हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पंचकुला में नेत्रहीन कल्याण मंच ने कर्मचारी चयन आयोग का घेराव कर प्रदर्शन किया। नेत्रहीन कल्याण मंच की मांग है कि क्लर्क की परीक्षा में नेत्रहीन परीक्षार्थियों को लेखक बैठाने की मंजूरी दी जाए। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक लेखक के 10वीं पास और नेत्रहीन अभ्यर्थी के कोर्ट से जारी प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, लेकिन नेत्रहीन कल्याण मंच का कहना है कि यह बिल्कुल गलत है। प्रदर्शनकारियों के कर्मचारी चयन आयोग से मांग है कि उन्हें स्थानीय लेखक दिया जाए ताकि लेखक एग्जामिनेशन सेंटर पर जा सके, क्योंकि कई बार सेंटर दूर मिलने पर लेखक नहीं आते हैं। कर्मचारी चयन आयोग का घेराव करते हुए आप नेत्रहीन लोगों की ये प्रदर्शन देख रहे हैं। क्लर्क की परीक्षा में बदलाव की ये मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो स्थानीय लोग लेखक के तौर पर इन्हें मिलते हैं, जहां पर इनका परीक्षा होना है, उन्हें अलाउ किया जाए ताकि वो इनकी परीक्षा को लिख सकें।